क्या तुम एवरेज हो के परेशान हो चुके हो कि यार 10 लोगों की भीड़ में मैं तो 10 लोगों जैसा ही दिखता हूँ। मेरे में वो यूनिक फैक्टर नहीं जो कि कॉलेज के उस चैट में होता है जिसको सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। वेल आई एम हेयर टू हेल्प यू एंड ये वीडियो बहुत कोड़ी होने वाली है इसलिए यू कैन लीव इट राइट नाउ क्योंकि वेल इंडिया का बेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल कौन सा है? चैट टैग। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह, देखो अगर बिल्कुल ऑनेस्टली देखा जाए, बिल्कुल सत्य तरीके से देखा जाए तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लुक्स तुम्हें एवरेज से डिफरेंट दिखाने में एटलीस्ट 90% ऑफ द रोल प्ले करते हैं। इतना ज्यादा करते हैं कि अगर तुम एक अगली मैन प्लेइंग अ गिटार भी हो ना तो तुम अगली मैन प्लेइंग अ गिटार ही रहने वाले हो। आई मीन इवन योर हॉबीज आर अफेक्टेड बाय योर लुक्स। इसी एग्जांपल के लिए मेरे को आदित्य रॉय कपूर की वो गिटार प्लेइंग वाली वीडियो याद आती है। उस वीडियो में लड़कियां इतनी पागल हो रही थी कि आदित्य रॉय कपूर गिटार भी बजा लेता है, जैसे कि कोई गिटार बजाना बहुत ही बड़ी बात सुन रहा है ना तू। लाइक कितने करोड़ों लोग हैं इंडिया में जो गिटार बजा लेते हैं पर क्योंकि वो आदित्य कपूर बजा रहा है कि एक्सट्रीमली हैंडसम मैन, लड़कियों के फैक्ट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि हैंडसम मैन गिटार भी बजा सकता है। डू नो व्हाट दैट मींस? दैट मींस इवन गर्ल्स सबकॉन्शियसली अंडरस्टैंड कि हैंडसम गाइस को कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर क्यों गिटार बजा रहा है। एंड दैट इज जस्ट द फैक्ट ऑफ लाइफ। वाह, सो इन सिंपल वर्ड्स अगर तुम्हें एज अ गाय स्टैंड आउट करना है ना तुम्हारी लुक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो फेस को तुम बिना सर्जरीज के क्विकली कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ कुछ ट्रिक्स हैं वो तुम्हें मे बी 20-30% अट्रैक्टिव बना देंगी पर स्टिल तुम less than 50 रह रहे हो। सो व्हाट शुड यू इवन डू? अभी के लिए यू शुड वर्क ऑन योर बॉडी। अपनी बॉडी को जितना तुम यूनिक दिखा सकते हो, जितना अट्रैक्टिव दिखा सकते हो दिखा दो। बॉडी को यूनिक दिखाने के लिए जस्ट फॉलो सिंपल वर्कआउट प्लान, सिंपल डाइट प्लान एंड लगे रहो 2-3 साल के लिए बॉडी विल बिकम एक्सट्रीमली गुड लुकिंग। एंड ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप राइट नाउ होना चाहिए। ऑब्वियसली तुम्हें अपनी आईब्रो वगैरह फिक्स करनी चाहिए, नाक से बाल निकल रहे हैं ये सब करना चाहिए, उसके बाद बॉडी वर्क करना चाहिए। इतना तुम्हें भी अकल होगी, नहीं है तो फिर ले लो अकल। पर लेकिन तुम्हारी बॉडी पर अभी तुम्हारा फर्स्ट फोकस होना चाहिए क्योंकि तुम सर्जरी करा नहीं सकते, उतने पैसे हैं नहीं। तो अपनी बॉडी को जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो कर लो, कुछ तो तुम्हें एडवांटेज मिलनी ही चाहिए बाकी लोगों से। सेकंड, वर्क ऑन योर हाइट। तुम्हारी हाइट अगर अभी 5'7" 5'6" से कम है प्लीज हील्स खरीद लो जो कि हाइट को इंक्रीज करते हैं और उसको अभी मंगा लो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अमेजोन से मंगा लेना। 500-700 तक की आती है, जूते में घुसा दो एंड दैट इज इट, बैम तुम लंबे हो जाओ। डू नो व्हाट, एक कड़वा सच बताऊं, अगर तुम 5'5" 5'7" के हो ना तुम वहां से 5'9" तक जाते हो यू विल नोटिस अ बिग ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ, किस तरह लोग तुम्हें परसीव कर रहे हैं। 5'9" से 5'11" में उतना फर्क नहीं है, 5'11" से 6'3" में भी उतना नहीं है, पर जो 5'7" का ब्रैकेट है और उससे नीचे का ब्रैकेट है उससे जो जंप बचती है 5'9" तक वो बहुत ही बड़ा जंप है एंड बहुत ही यूनिक जंप होता है। लाइक एकदम से दुनिया, जज्बात, सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए राइट नाउ इन्वेस्ट इन अ गुड हील्स। सो अब तुमने अपनी बॉडी बना ली, अपनी हाइट इंक्रीज कर ली, व्हाट शुड यू इवन डू नेक्स्ट? नेक्स्ट घुस जाओ काम करने में। मैं अपने चैनल पर कमेंट पढ़ता हूँ, दो तरह के गधे आते हैं मेरे चैनल पर। एक बोलते हैं लुक्स डोंट मैटर मनी डज, एक बोलते हैं ओनली लुक्स मैटर मनी डज नॉट। दोनों के दोनों बिल्कुल गधे लोग हैं। अरे भाई अगर तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है तो तुम अपनी शक्ल को कैसे इंप्रूव करोगे? जेनेटिकली तुम कितना म्यूइंग श्यूइंग पत्थर मार कर मुंह पर क्या ही बदल दोगे, कितना बदल दोगे? इसलिए यू नीड टू मेक मनी। एंड मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मनी पालोगे तो लड़कियां तुम्हारी लुक्स भूल जाएंगी, नहीं नहीं इस भ्रम में मत रहना। मैं कह रहा हूँ तुम मनी पाकर अपनी सर्जरीज करवा सकते हो फेस की, जो कि तुम कहोगे ये शैलो है, ये गलत है, हाँ ऐसा वैसा, ठीक है मत कराओ, मैं तो भाई बता रहा हूँ तुम्हें, नहीं सुनना मत सुनो। ये एक बंदा है एमनीजिया, लुक एट हिज फेस बिफोर एंड आफ्टर। इस बंदे ने अपनी सर्जरी करवा करवा के अपने फेस को सुपर मॉडल टायर पे पहुंचा दिया एंड ये कितना अट्रैक्टिव एंड हैंडसम दिखता है। अब इसे कहते रहो तुम कि ये शैलो है, ये है वो है, इनसिक्योर है, जो मर्जी है, बट स्टिल ये तुमसे बेटर लाइफ जी रहा है एंड एवरेज मेल से ज्यादा स्टैंड आउट कर रहा है एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह, सो अगर तुम less than 5 out of 10 हो तो बॉडी हाइट इन दोनों पर वर्क करने के बाद किसी भी तरह से पैसा कमाओ। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में मत पूछना पैसा कैसे कमाएं, मैं खुद कमा रहा हूँ, आई डोंट नो, वो तुम्हारी सरदर्दी है किस तरह कमाओ। फ्यूचर में मैं कमाने लग पड़ूंगा, आई विल मेक सम सॉर्ट ऑफ गाइड, पर अभी मेरे को उतना आइडिया नहीं है पैसे कमाने के ऊपर। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। जैसे तुम पैसा कमा लेते हो गेट सर्जरीज डन, अपनी हाइट की सर्जरी करा लो, अपने नोज की राइनोप्लास्टी करा लो। लुक एट फवाद खान, इसका नोज देखो और अब देखो, इसके नोज की सर्जरी से इसका पूरा जीवन बदल गया। सो वंस यू गेट रिच और तुम सर्जरी करा लेते हो तो तुम्हारे पास दो बिग बेनिफिट होंगे, एक तो तुम्हारे पास पैसा होगा, नाम होगा, पावर होगी, फेम होगा। अमीर बंदे यार पॉपुलर, लाइक थार में घूम सकते हो तुम, तो लड़कियां ऐसे देखेंगी थार वाला लड़का, बुलेट में घूम सकते हो, ऑल दैट स्टफ, पर साथ में तुम अपने फेस को भी इंप्रूव कर सकते हो। डोंट थिंक ये गलत चीज है, 99% ऑफ द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज फेस पर सर्जरी करवा कर बैठे हैं एंड अगर वो इनसिक्योर है जो है, हु केयर्स मैन, अगर इनसिक्योरिटी से इतना पैसा, रुतबा, फेम, अटेंशन मिलता है क्या जा रहा है, वो तो
अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, बट इन माई ओपिनियन अगर लाइफ में इतनी इंप्रूवमेंट आ रही है तो इनसिक्योर होना ही ठीक है, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर जो टॉप 20% मैन है ना, तुमने सुना होगा वो 80% ऑफ द वुमेन को ले जाते हैं। वेल गेस व्हाट, वो 80% ऑफ द सक्सेस, रिचेस, फेम, शोहरत, हर चीज को ले जाते हैं, क्योंकि दैट्स द वे वर्ल्ड वर्क्स, 20-80 रूल, ऑलवेज रिमेंबर दैट। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह, अगर मेरी बात माननी है मान लो, अदरवाइज लेमन वहां ही पड़ा है, चूस लो। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ वन टू वन कोचिंग को लेकर बात करेंगे, चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वाह, डिस्क्रिप्शन में मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर, इंस्टा पेज मिलेगा, दोनों को ज्वाइन और फॉलो बटन दबा दो। वाह, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल टू सीट एवरीवन, जागते रहो।